नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित गोयल, SG क्लासेस अजमेर के YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम पहले पार्टनरशिप के चार वीडियोस पढ़ चुके हैं और आपसे गुजारिश है कि जिसने वो चारों वीडियो नहीं देखे हों पहले वो चार वीडियो देख ले। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वीडियो नंबर 5। ये सबसे छोटा वीडियो होगा पार्टनरशिप का अभी तक, और इसमें हम कुल और लुल जो हमने पढ़ा था कंसेप्ट कि कुल मतलब जो लिखा है वही शेयर एज इट इज़ आ जाता है और शेयर एज इट इज़ जैसा लिखा है वैसा, और अगर लुल लिखा हो तो शेयर को हम प्लस करके लिख देते हैं। इसी की हम प्रैक्टिस करेंगे, सेपरेट प्रैक्टिस है। जिन लोगों के पास शीट है मार्च 2020 में, उस शीट में पार्ट वन जो है हमारे पास शीट, जिसमें हम 5 चैप्टर पढ़ाते हैं, ये शीट कुछ ऐसी है फ्रेंड, और 5 चैप्टर इसमें टोटल हम कवर करते हैं, एजेस, पार्टनरशिप, एलिगेशन, रेशो एंड प्रोपोर्शन और एवरेज, और लगभग लगभग इस पूरी बुकलेट में 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं। इन सब चैप्टर्स के ख़त्म होने के बाद पीछे की तरफ एक्सरसाइजेज भी हैं, उसमें एक्सरसाइज नंबर 18 में जो क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ पर समझाऊँगा सारे के सारे। तो वीडियो पॉज करना आप जानते ही हैं हैशटैग का मतलब। दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन है कुल और लुल से संबंधित, जिसमें आपको केवल एक का हिस्सा बताना है, वो भी भिन्न के अंदर। कोशिश करें कि आप सारी वैल्यूज खुद निकालने में, कहीं प्रॉब्लम हो तो फिर मैं आपकी सहायता करूँगा, प्लीज़ खुद करें। चलिए, उम्मीद करता हूँ अब तक आपने कर लिए होंगे। अगर पहला प्रश्न मैं देखूँ तो पहला प्रश्न है ए को सभी तीनों का संयुक्त 2/5 मिल रहा है। तो अगर ए को सभी का 2/5 मिला है संयुक्त में, तो बस ए का शेयर 2/5 ही होगा, कोई दूसरी बात ही नहीं। दूसरे में ए को सभी का 2/9 मिला है तो ए को 2/9 ही मिलेगा। तीसरे प्रश्न में ए को सभी तीनों का 3/7 मिला है तो दोस्तों 3/7 ही हमारा आंसर आएगा। चौथे में बी और सी का 2/5 है, तो मैंने आपको बताया ये लुल हो गया, तो इसको हम कुल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 और 5 को जोड़ दो 7, तो ए का जो शेयर होगा वो 2/7 होगा। ऐसे ही इस क्वेश्चन में सभी तीनों का है तो 4/9 एज इट इज आ जाएगा, ये 4/9, और राशि दी नहीं है, राशि दी होती तो जो भी राशि दी होती उसका हम वैल्यू निकाल देते। कुछ और क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, बताया अनुसार वीडियो पॉज कर ले, खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करें। आशा करता हूँ अब तक आपने हल कर लिए होंगे। ए को 2/9 मिला, किसका, लुल का, तो 2 और 9 को जोड़ेंगे तो 2/11 आ जाएगा। ऐसे ही सातवें क्वेश्चन में अगेन लुल है तो 3/7 नहीं होगा, 3/10 हो जाएगा। आठवें क्वेश्चन में भी लुल है तो 5/8 नहीं होगा, 5 और 8 13 हो जाएगा। नौवें क्वेश्चन में चूंकि कुल लिखा है तो बस फिर तो 5/8 एज इट इज आ जाएगा। दसवें क्वेश्चन में लुल लिखा है, 4/9 का लुल होगा 4/13। दोस्तों, ये सारी की सारी वैल्यूज हमने निकाल ली है, मैंने आपके लिए आंसर की भी प्रिपेयर कर रखी, आप चाहें तो इसको भी वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं और अपने आंसर्स एक साथ सारे के सारे मैच कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो छोटा सा ही था और इसका पर्पस मैंने आपको बताया कि आपको कुल वर्सेस लुल समझाना था, और एक विशेष बात इसमें आपको और समझानी थी कि ये कुल जो है ना, ये हिंदी वाला कुल है, कुल वर्सेस लुल। लुल का मतलब क्या होता है, लुल का ऐसे तो कुछ शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, परंतु याद करने के दृष्टिकोण से हमने इस मान लिया। अब तकलीफ क्या आ सकती है कि ये सेकेंड टाइम है जो मैथ्स में आप कुल पढ़ रहे हो। एक कुल आप मेरे से पहले भी पढ़ चुके हो जो कि इज इक्वल टू को रेशो में कन्वर्ट करने के काम आता है, यस के फॉर काटना, यू फॉर उल्टा करना और एल फॉर एलसीएम लेना। तो इन दोनों में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, और बस इस वीडियो में इतना ही है आपके लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा, और होमवर्क जो है इसका, होमवर्क है बस यही एक्सरसाइज नंबर 18, और प्रीवियस जो मैंने वीडियो 4 तक आपको होमवर्क दे रखा था, शायद क्वेश्चन नंबर 128 तक। हम दोस्तों मार्च 2020 की बात कर रहे हैं, मैं बार बार डेट पे इसलिए फोकस करता हूँ क्योंकि हम शीट्स हर 4-6-8 महीने में चेंज होते रहते हैं, नए नए क्वेश्चंस, SSC, रेलवे, बैंक पूछता तो हम भी उसमें अपडेट कर देते हैं,
उस शीट के अकॉर्डिंग ये आपका होमवर्क है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज्ञान पहुँचना चाहिए। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।